हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट कैसे लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल स्टेप में आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिक्योरिटी, तो आपको सिक्योरिटी पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है फिंगरप्रिंट, तो आपको फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अपना ओल्ड पासवर्ड डाल देना जो आपने पहले से सेट कर रखा है, वैसे ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पर आपको स्टार्ट इनपुट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो स्टार्ट इनपुटिंग पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फिंगर लगाना है। तो गाइस इस तरीके से अपने फिंगर को आपको लगाना है और रिमूव करते रहना। तो गाइस जब तक कि हमारा पूरा फिंगर नहीं लगता है, हमें अपने फिंगर को इसी तरीके से लगाना है और रिमूव करते रहना है। तो गाइस देखिए हमारा जो फिंगर है पूरा लग चुका है और हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है डन का, हम इसे डन कर देते हैं। डन करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाता है। पहला आपका ऑप्शन है फिंगरप्रिंट, जैसे कि आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना फिंगर यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपको ऐड ए फिंगर, जैसे कि आप अपने कज़न वगैरह या अपने घर में किसी व्यक्ति का अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगाने चाहते हैं उसका, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।